Hi guys, this is Shilpa Singh Rajput. Hey guys, this is Amit Giri. Hello guys, this is Abhishek Singh and welcome back to our channel Krishna Views. So guys, कैसे हम लोग? I hope आप लोग बहुत बढ़िया होंगे. तो गाइस, हमने एक इस्लामाबाद की वीडियो की थी जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया और आप लोगों ने कहा कि मैं इनको और इस्लामाबाद की वीडियो दिखाऊँ. तो मैं आज एक फुल इस्लामाबाद की वीडियो लेके आई हूँ जिसमें सारे पूरा इस्लामाबाद दिखाया गया ए टू जेड. तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. और जैसे कि पता ही है कि सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड. और फर्स्ट इस बार मुझे पता है फर्स्ट लंदन है. ठीक है. सो एक बार हुआ ये था कि एक्चुअली मेरे को नहीं लगता था कभी कि इस्लामाबाद वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी हो सकता है. बट जब मैंने ये फैक्ट कहीं पढ़ा उसके बाद मैं आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड. फिर मैं सदमे में वो अभी भी मैं उस सदमे से उभर नहीं पाया हूँ. ये मेरी दर्दनाक स्टोरी है. मूवी से पहले मूवी से पहले जो कैंसर वाला रमेश आता है उसकी तरह मुकेश. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Islamabad, the beautiful 4K Ultra HD. और जो चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. ओके. लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे M2. ओके. हाईवे. थ्री लेन हाईवे. सिक्स लेन. काफी मस्त हाईवे है. आजू बाजू की इतनी ग्रीनरी. मोस्ट ऑफ हाईवे तो मतलब साइड साइड में होते हैं. पॉल्यूशन भी वहां पे उतना ही होता है. मैं सिर्फ पेड़ भी आई थिंक ये पाकिस्तान का लोकल ट्रांसपोर्ट लगता है. ऑब्वियसली और बाहर से तो नहीं. काफी वीडियोस में देखे हैं मैंने. फैसलाबाद कैमरा कार में ही लगाया हुआ. कितना ब्यूटीफुल रोड है. एग्जैक्टली. ड्रोन शॉट से क्या गजब लगता है. ये बहरिया टाउन का सीन है. ये जो हमने देखी थी ना, ये वीडियो याद है? ये तो बहरिया टाउन है. कराची का नहीं है लेकिन ये इस्लामाबाद का. फेज 8. मतलब कितने फेजेस हैं? ओ ओ गॉड. ओ वो 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 रीजन. उस दिन अपने ने नीचे नीचे से देखा था बहरिया टाउन. वो कराची का था. ये इस्लाम मतलब दो जगह है. बहुत सारी जगह है. वाह, ये पबजी वाले घर लग रहे हैं ना. अभी तो बस गिरोगे उसके बाद अंदर से ढूंढना है. ओहो वाह, बहुत दूर दूर तक घर है. बिल्डिंग बहुत और एक्चुअल में सारे घर पेड़ों से घिरे हुए हैं. ग्रीनरी भी है. ऐसी बहुत आज तक नहीं देखी मैंने. नेचुरल ब्यूटी भी है और आर्टिफिशियल ब्यूटी भी है. मतलब यार सुन पे समा
हाय 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 एवरीवन, गिर मत जाना बस। बोट चलाना वाओ, यहाँ ये पानी के कलर मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना डिफरेंट क्यों लगता है मुझे, कुछ ग्रीनिश कुछ ब्लूइश है ना। बोट को ले जा रहे हैं ना शायद, बहुत अच्छे शॉट्स लिए हैं इसमें। सिटी व्यू, वो चार मीनार जैसा क्या है उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट वो भी आता है। ओह क्या रोड्स है, क्या रोड्स है, सांप लग रहा है। बाइकर्स के लिए तो हेवन है जगह, इस्लामाबाद में हिल्स भी हैं लेक भी हैं, वेरी गुड। ऐसे ही नहीं, मोस्ट सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है, इतनी ज्यादा ग्रीनरी है मुझे नहीं, एकदम आप पॉल्यूशन की किसी को दिक्कत होगी। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स के फार्म हाउस लगे होते हैं ऐसे प्लेसेस पे। दो सिटीज के बीच में से आई फिर कॉलोनी के बीच में लग रहा है, शो वाला हुआ है ना शायद। ये एक रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट है, होटल क्या है कुछ तो है यहाँ पे, जहाँ पे लोग जाते हैं फन करने मजे करने। सॉरी ये बहुत वेल प्लान्ड सिटी है, सब कुछ बहुत प्लानिंग के साथ दिख रहा है, सब कुछ इक्वल, बीच में कुछ ही बिल्डिंग्स है। मैं यहाँ पे नाइट व्यू देखना चाहूंगा, यहाँ का बहुत सही होगा। ओके ओके, बहुत बड़ा है ये, बहुत ही बड़ा है, पहाड़ है इधर, धूम मची हुई है उधर, घर है उस साइड, लेक है, रोड्स सांप जैसे रोड्स हैं। ये तो हिल्स वाले रोड है, जो बीच वाले रोड है वो भी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में एटलीस्ट रोड तो बहुत अच्छे हैं। इतनी ज्यादा ग्रीनरी में रहने का कुछ अलग ही मजा, इस्लामाबाद वाले हिट द लाइक बटन। मोस्ट ऑफ हिली जगह होती है वहाँ पे ऐसे ही रोड्स होते हैं, ऑब्वियसली तो वहाँ पे ऐसे स्ट्रेट रोड नहीं बना सकते ना, ऐसे सीधा जॉन
देख पाते घर बैठे पाकिस्तान यूट्यूब की वजह से ड्रोन शॉट से कोई भी सिटी कितनी बढ़िया लगती है। फोटोग्राफी पॉइंट ऑब्वियसली यार ऐसे इंडिया में ऐसे लगता है ना हम बादलों पे चल रहे हैं। ओ सी फोटोग्राफर कहाँ कहाँ चढ़ फोटो खींचते हैं। फ्रेश वाटर पाउंड पानी है पानी हाँ, करते हैं। वो नेचुरल नहारे अंदर मैं तो नेचुरल छोटी कैंपिंग के लिए बेस्ट लोकेशन है यार ऐसी जगह में पानी कितना क्लीन है ग्रीन ग्रीन परछाई आ रही है यार मुझे भी जाना है यहाँ दोस्तों के साथ कितना मजा आएगा यहाँ पे साइड में अपना खाना कुक करो खाओ पड़े रहो यहीं पे कितने मजे कर रहे हैं लोग हर थोड़ी थोड़ी जगह पे पानी का एक एक वो बना हुआ है तो हर थोड़ी थोड़ी जगह पे लोग अपना पर्सनल बीच बना रखा है स्विमिंग पूल हाँ देख के भाई देख के ये भी रिजॉर्ट है नो दंडी पहाड़ी माँ पहाड़ी के अंदर ही है क्या कुछ हाँ रिजॉर्ट है ऑब्वियसली ऐसी जगह पे रिजॉर्ट तो बनेंगे ही ना रिजॉर्ट नहीं लग रहा है कैसे है पीछे नहीं यहाँ पे बहुत झंडे बंडे लग रहे हैं एकदम पहाड़ पे है पहाड़ को काट के मस्जिद बना दिया बीच में रास्ता जाकर टॉप पे जाके वहां से कूद जा ऊपर पहुंचने के लिए मुश्किल हो गया पता है अगर कोई रीजन है कि इस्लामाबाद सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी हमें पता चल गया वो रीजन ये है ये जो बहुत खूबसूरत एक भी मतलब अगर नाइट व्यू भी होता तो बहुत मजा आता बट इस वीडियो में नाइट व्यू नहीं था बट स्टिल बहुत ज़्यादा नेचुरल प्लेसेस दिखे ऊपर से एक बार अंदाज़ा लग गया कि इस्लामाबाद एक्चुअली में है कैसा उसको क्यों सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस कहा जाता है सब कुछ इक्वल सब कुछ सॉर्टेड और नेचुरल ब्यूटी तो इनबिल्ट है मतलब वो तो है ही एक सिटी का सिटी बसा हुआ है लेक है साइड में पहाड़
बहुत सही है, मतलब बहुत और फिर जो पूरा कैपिटल सिटी है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि देखा बीच में बहुत सिस्टमैटिक वे से उसको ऑर्गेनाइज किया गया, कहीं भी कुछ भी नहीं है, बीच में एक रोड जा रही है, देन पेड़ों की वजह से बाउंड्रीज बना रखी है डिफरेंट सेक्शंस में, तो वो बहुत खूबसूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में किसी को पॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आई गेस पेड़ बहुत है, पेड़ बहुत सारे हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि है या नहीं है, है पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है या नहीं है, ये बताना। नहीं है पर पेड़ है ऐसा बोला नहीं, वो मस्जिद जो बना रही थी ना पत्थर को काट के, वो सेक्शन भी बहुत सही था। तो गाइज इन शॉर्ट इन लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे भी बहुत पसंद आया, मैं तो हमेशा बोलते रहते। तो गाइज आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी लोग भी इस्लामाबाद में रहते हैं और नहीं रहते हैं तो भी कर देना। और फिर मिलेंगे हम आपको ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल। बाय बाय।